बस सूजी में दूध डालो, घोलो, अब बना लो बाजार में सबसे महंगी मिलने वाली रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, चाहे फेस्टिवल रहे या अनदिना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूध में सूजी को घोल देना है और फटाफट ये बनके तैयार हो जाता है। न डो लगाने का झंझट, न घंटों वेट करने का, बनाना जितना आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल लेंगे और यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया है। इससे नाप के यहाँ पे सूजी ले लेंगे। नाप के लिए आप घर का कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक कप और आधा यानी डेढ़ कप सूजी लिया है। वज़न में देखिए तो ये 200 ग्राम है और आगे भी कुछ मिलाएंगे, यानी कि ये रेसिपी 250 ग्राम में बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे डेढ़ कप मैं बारीक वाली सूजी ले लिया, आपके पास मोटे बारीक जो रहे वो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, अगर है आपके पास तो ले लीजिएगा, वरना उसके बिना भी बना सकते हैं। ये मिक्स कर दिया है मैंने, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है कि सूजी में चावल का आटा मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर दूध ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है, जिस कप से नाप के मैंने सूजी लिया था ना, उसी कप से नाप के यहाँ पे 2 कप दूध लेंगे। यानी 1.5 कप सूजी, 2 चम्मच चावल का आटा और 2 कप दूध यहाँ पर डालेंगे। दूध आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने ही दूध डालें, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे पानी भी डाल के इसको घोल सकते हैं, लेकिन पानी डालेंगे तो टेस्ट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। दूध डालने से क्या होगा, टेस्ट ये ज़्यादा टेस्टी होगा। तो डाल के इससे इसको स्मूथली अच्छे से इसको मिक्स कर देना है कि सारा दूध और सूजी और चावल का आटा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे कवर करके आधा घंटा के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे कि सूजी अच्छे से दूध में फूल जाए, तो हम रेसिपी को आगे बनाएंगे। तो देखिए आधा घंटा हो गया, कवर हटाएंगे तो देखिए सूजी अच्छे से दूध में फूल चुका है, पूरा इसका दूध सोख लिया है। और इसको अच्छे से एक दफ़ा चला लीजिएगा। अब इसे लेके चलते हैं गैस की तरफ। गैस में मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और यहाँ पे ऑन कर लेंगे गैस को। और यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले लिया, वज़न में देखिए तो ये 200 ग्राम होगा। और मैंने 200 ग्राम सूजी भी लिया था, और 200 ग्राम जितना सूजी है उतना आप चीनी ले लीजिएगा। चीनी डाल के इसमें चलाना नहीं है, आँच मीडियम रखिएगा। चीनी को कैरमलाइज यहाँ पर करेंगे, देखिए इसी तरह करना है। इस तरह पूरा कैरमलाइज हो जाएगा तब यहाँ पे पूरा चीनी पिघल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कप पानी डाल देंगे, उसी कप से जिस कप से मैंने चीनी इसमें डाला है, 1 कप पानी डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। तब यहाँ पे आगे फिर ऐड करेंगे। तो देखिए पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि चीनी का छोटा या बड़ा कुछ टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए, देखिए इस तरह का। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चाशनी नहीं तैयार करना है, पतला ही रहना चाहिए। तो देखिए अच्छे से चीनी घुल गया है। अब यहाँ पे जो बैटर रखा था ना वो इसमें यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले ठंडा करके डालिएगा। गर्म में डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा लम्स बन जाता है, तो गर्म में मत डालिएगा। थोड़ा सा ठंडा करके सारे जो सूजी फूल के रखा हुआ था यहाँ पर डाल देंगे। और आप इस तरह से चीनी को कैरमलाइज करके बनाएंगे ना, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। पूरा उसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है सूंधे पनी वाला। तो इसमें डाल के मीडियम टू लो आंच पे इसको अच्छे से चलाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें गुठलियाँ बन गए हैं, क्योंकि गर्म में मैंने डाल दिया था, लेकिन मैं इसको ऐसी तरह मैश करते हुए चलाते जाऊँगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसमें सूजी डालना। हल्का गर्म में डालेंगे ना तो इस तरह गुठलियाँ नहीं होती हैं। तो इसी तरह मीडियम टू लो आँच पर इसको चलाते जाना है जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो इसी तरह चलाते हुए ये डो फॉर्म में आ जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगता है। सूजी फूला हुआ है और उसमें तुरंत और इसका पीलेगा जो चीनी का चाशनी समझिए बनाया है। देखिए पानी चीनी का चाशनी सूख गया है। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे और यहाँ पे 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी डालेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल यानी कड़वा तेल नहीं डाल सकते हैं, रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं। और इसी तरह मीडियम आँच पे इसको चलाते जाना है, जब तक चलाना है जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लगे और ये डो फॉर्म में ना जाए। डो फॉर्म आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ये प्रोसेस तैयार हो जाता है पूरा। तो इसी तरह मीडियम टू लो आँच पे इसको चलाते हुए देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, यानी कि ये डो फॉर्म में आने लगा है। अब यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और यहाँ पे एक प्लेट पे इसको निकाल लेंगे। निकाल के हल्का सा इस तरह फैला लीजिएगा कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। और इसको कवर करके इसको थोड़ा देर ठंडा करने छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, हल्का गुनगुना रहना चाहिए। तो इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो देखिए 2 मिनट में मैंने कवर हटाया, चेक कर लेंगे। हल्का गर्म है, हल्का गर्म इतना रहना चाहिए कि जो आप हाथ से थोड़ा सा मैश कर लें। यहाँ पे 1 स्पून तेल और डाल लीजिएगा, क्योंकि 2 स्पून मैंने घी डाला था, तो 1 स्पून और डालेंगे हाथों पे लगा के, और इस तरह इसको मैश कर लेना है अच्छे से, जिस तरह आटे के डो को करते हैं ना उसी तरह यहाँ पे कर लेना है, अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालिएगा, उससे खस्ता हो जाएगा हमारा नाश्ता। और 1/2 चम्मच यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देंगे, बड़ी और छोटी मिक्स करके। और यहाँ पे क्या है ना, 1/2 कप आटा ले लेंगे, इस तरह चमची से बराबर करके लीजिएगा और थोड़ा सा डालिएगा। पहले 2 चम्मच डाल देंगे, डाल के इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो ये डो तैयार किया ना इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई हो जाना चाहिए। तो एक दफ़ा पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। जितना इसको ज़रूरत रहेगा आपका 1/2 कप से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए 2 चम्मच डाल के मैंने किया था, थोड़ा सा इसमें और मुझे मॉइस्चर लग रहा था, 2 चम्मच और डाल दिया, थोड़ा सा भी रख देंगे, और ज़रूरत रहेगा तो इसमें डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरह खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए मुझे लग रहा है जो ये बचा था ना इसको भी डाल देंगे, यानी 1/2 कप मैंने यहाँ आटा डाल दिया इसमें 1/2 कप, और 1/2 कप डाल के इसको अच्छे से इसको मिचाड़ लेना है, जिस तरह हम लोग चपाती का डो लगाते हैं ना उसी तरह इसको सॉफ्ट स्मूथ बना लेना है। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, पूरा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, हल्का सा इसी तरह का डो रहना चाहिए। अब किचन सरफेस को पोंछ के यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे, कुछ बूंद ऑयल डाल देंगे कि इसको यहाँ पे मिचाड़ेंगे तो ये सटे नहीं। और यहाँ पर डो को ले लेंगे और इस तरह हाथों से यहाँ पर 1-2 मिनट और कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा ना कि इस डो में एक लचीलापन आ जाएगा और हमारा जो अभी बना रहे हैं वो बहुत ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा रेसिपी, जिस तरह हम लोग मार्केट का लाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट खूब इस तरह मिचाड़ के इसको एकदम स्मूथ कर लेना। तो देखिए एक स्मूथ हो गया है, एक इस तरह मैंने लंबाई आकार कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, एक नाइफ ले लिएगा, उसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको कट कर देंगे। इसे 3 भाग में काटेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह इसको 3 भाग में मैंने काट लिया है, और एक को उठाएंगे, एक पीस को उठाएंगे और हाथों पर लेके इस तरह इसका एक बड़ा सा लोई बना लेंगे। इसी तरह हाथों पर तलहत्ती पर रख के चिकना कर लेंगे, हाथों पर इस तरह तलहत्ती पे गोल गोल घुमा के इस तरह चिकना कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह एक रेडी हो गया, इसी तरह बाकी को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए बाकी भी रेडी हो गया है, 2 को प्लेट पर रख लेंगे, 1 को यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे कुछ बूंद कि यहाँ पर चिपके नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर सूखा आटा भी छिड़क के बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वाइट तिल और थोड़ा सा सौंफ ले लिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे, इसी पर रख के बेलेंगे। आप चाहें तो जो मैंने डो तैयार किया था ना उसके अंदर भी सौंफ डाल सकते हैं, और ये वाइट वाला तिल सौंफ ज़रूर से डालिए। अगर है सौंफ का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा आता है, अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है उसका फ्लेवर, और वाइट तिल से भी ये एकदम क्रंचपन आ जाता है और देखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बेलन ले लेंगे, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके इसको बेल लेंगे, रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे और थोड़ा इसका थिकनेस मोटा रखेंगे। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया, इसका थिकनेस देखिए इसी तरह का रहना चाहिए, इतना मोटा, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कप ले लिया है मैंने, आप चाहें तो यहाँ पे कुकी कटर ले लें या गिलास भी ले सकते हैं। किनारे ऑयल लगा लेंगे और इस तरह कट कर देंगे। इस तरह करने से क्या होगा ना, एक दफ़ा ज़्यादा रेसिपी बन के तैयार हो जाएगा जो अभी हम बना रहे हैं। तो देखिए आराम से कट गया, किनारे आप ऑयल या सूखा आटा लगा के कट करेंगे ना तो चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बन के निकल जाता है। तो देखिए 1 साथ 4 नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब किनारे एक्स्ट्रा को हटा देंगे, एक्स्ट्रा को क्या है आगे बताएंगे क्या करेंगे एक्स्ट्रा, चाहे आप डो में मिला लें ना तो फिर बता देंगे, आप किस तरह इसे भी बना सकते हैं। तो यह देखिए 1 रेसिपी बनके तैयार हो गया है, इसे रखेंगे प्लेट पे। और जो अभी एक्स्ट्रा निकला था ना हाथों पे लेके गोल करके एक छोटा सा पेड़ा बना लीजिएगा, हाथों पे दाब के इसको टिक्की का शेप देके किनारे चिकना कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने वाइट तिल और सौंफ रखा था इसके ऊपर इस तरह लगा लीजिएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, 1-1 लोई लेके, या एक दफ़ा बड़ा सा बेल के भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और किनारे किनारे हाथों से इस तरह चिकना कर लीजिएगा। तो देखिए ये तरीका भी, ये भी बन गया है। अब थोड़ा सा एक और ले लेंगे, शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं सर्कल बना रही हूँ, आप ट्राइंगल या रेक्टेंगल जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर देखिए 1 को लेके मैंने गोल कर लिया, अब इस तरह करके इसको मैं ट्राइंगल का शेप दूंगी, ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह किनारे किनारे चिकना कर लीजिएगा,
तो देखिए ये ट्रायंगल बन गया है, इस तरह चिकना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट वाला तिल और सौंफ लेके वो इस पर लगा लेंगे। ये लगाने से नाश्ता हमारा देखने भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने तीनों बता दिया, आप जैसा भी चाहें, आप चाहे बड़ा बेल के कप से या गिलास से कट कर लें या हाथ से बना लें या इस तरह ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो देखिए ये दोनों तीनों तरह का मैंने बता दिया, अब इसे प्लेट पर रखेंगे और इसी तरह सारे को मैंने तैयार कर लिया है। किनारे किनारे इस तरह आप चिकना कर सकते हैं अगर चिकना ना रहे तो। देखिए ये बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो गया, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, जितना देखने में प्यारा लगता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। अब इसे लेके चलेंगे गैस के तरफ और गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और जो एक बनाया ना इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। एक दफ़ा ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ये मीठा है, इसमें चीनी डाले हुए हैं, गर्म होता है तो ये सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है तो चलाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे अच्छे से कम ही डालिएगा तो चलाने में ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है जितना एक दफ़ा आ रहा था और आँच यहाँ पे मीडियम रखिएगा। डालते के साथ तुरंत नहीं पलटना, अब केयरफुली पलटिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि चीनी डाल के इसको बना रहे हैं। और इसी तरह मीडियम आँच पे इसको एक तरफ हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो पलट देंगे। और इसी तरह उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम ही आँच रखिएगा, मीडियम आँच पे फ्राई कीजिएगा ना तो ऊपर नीचे क्रिस्पी होता है और पूरा अच्छे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यह देखिए इसमें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि ये अच्छे से फ्राई हो गया, क्रिस्पी करारा। इसे तेल से अच्छे से छानते हुए निकाल के स्ट्रेनर पर रख लेंगे कि एक्स्ट्रा तेल इसी में रह जाए। यहाँ पर केयरफुल्ली आप निकालिएगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है, अगर अच्छे से नहीं निकाला तो सारा टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो इसी तरह सारे को निकाल के स्ट्रेनर पर रख लेंगे, बाकी बचे को उसी तरह फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो आंच पे, उलट पुलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक इसको क्रिस्पी करारा फ्राई कर लेना है। तो यह देखिए बाकी बचे नाश्ते में भी गोल्डन कलर आ गया, यानी कि क्रिस्पी करारा फ्राई हो गया। इसे तेल से छानते हुए निकाल के रख लेंगे। तो यह लीजिए बिल्कुल नया तरह का अनरसा बनके रेडी हो गया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। आप तो मार्केट से लाके चावल का अनरसा बहुत खाया हुआ या बनाया होगा, सूजी या गेहूं के आटे का आपने बनाया है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं एक पीस उठा के दिखा रही हूँ, कितने खस्तेदार हुआ है, देखिए पूरा क्रैक हुआ है नीचे मैं दिखा रही हूँ, यानी पहचान है कि बहुत खस्तेदार होता है। अब बनाना बहुत ही आसान है, हेल्दी तरीके से बनता है। इसे भी मैं उठा के दिखा रही हूँ, देखिए ये भी किनारे किनारे पूरा क्रैक हुआ है, यानी दोनों एकदम अच्छा खस्तेदार बन के तैयार हुआ है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आवाज़ सुन के आपको लग ही रहा होगा कितना ये क्रिस्पी हुआ है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ऐसे आप महीनों तक बना के स्टोर भी कर सकते हैं, कोई एयर टाइट कंटेनर में रख के इसको स्टोर कर ले, या सफ़र में जा रहे हैं तो उसमें भी ले जा सकते हैं। तो एक दफ़ा आप चाहे त्यौहार रहे या अनदिना या कोई गेस्ट आए तो उसे में भी बना के आप खिला सकते हैं, कोई पहचानेगा नहीं कि ये सूजी का बना है। तो एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि ये नए तरह के अनरसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी तरह डिब्बा में डाल के बंद करके रख के और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ओके बाय, मैं फिर मिलूंगी इसी तरह की डिफरेंट रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।